कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना। क्या तुम भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो? अगर हाँ तो ज़रूर तुम्हारे मन में भी ये सवाल होंगे कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज कैंपस कैसा है, यहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, यहाँ पे फ़ीस कितनी लगती है, अलग अलग कोर्सेज में से कौन कौन से कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाती है, इस कॉलेज की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, इस कॉलेज का लोकेशन क्या है और ये कॉलेज में कनेक्टिविटी कैसी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे ही सवाल है तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज की स्टूडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स को पूरी तरह से ऊपर से नीचे। जी हाँ, आज रिव्यू करेंगे कॉलेज ऑफ कॉमर्स को। बताने की कोशिश करूँगा मैं तुम्हें कॉलेज ऑफ कॉमर्स रिलेटेड हर वो ज़रूरी बात जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है अगर तुम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हो। तो शुरुआत करते हैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री से। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना, ये नाम जो तुम देख रहे हो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, ये नाम इसका पहले नहीं हुआ करता था। शुरुआत में इसका नाम था कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसकी स्थापना 1949 में पंडित इंदुशेखर झा के द्वारा कराई गई थी और ये इनकी एडवाइस दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही जो हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्हीं के एडवाइस पे पंडित इंदुशेखर झा के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब बात करें इस कॉलेज के फैकल्टीज़ जो जुड़ती चली गई, जैसे कि साइंस 1957 में जुड़ा, उसके बाद आर्ट्स 1960s में और 1963 में लॉ जुड़ा। लेकिन इस कॉलेज का नाम 2016 में कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बदल करके कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस रख दिया गया। होता क्या था कि बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी, सारे सोचते थे कॉलेज ऑफ कॉमर्स नाम है तो इसमें केवल कॉमर्स की पढ़ाई होती होगी, इस वजह से थोड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती थी। तो बाद में इसका नाम बदल करके 2016 में कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस रख दिया गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आर्ट्स एंड साइंस की जो पढ़ाई थी वो 2016 में नहीं, उससे पहले ही जुड़ चुकी थी। जैसा कि मैंने बताया 1957 में यहाँ साइंस की पढ़ाई जुड़ चुकी थी, 1960 में आर्ट्स की पढ़ाई जुड़ी, उसके बाद 63 में लॉ की पढ़ाई भी यहाँ जुड़ गई। सो ये हो गई कॉलेज की हिस्ट्री। अब थोड़ी सी ब्रीफ डिटेलिंग में जाते हैं। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है एक को एजुकेशनल कॉलेज है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसके प्रेजेंट में जो प्रिंसिपल हैं वो श्री तपन संध्याल हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। कॉलेज अपने आप में काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। लश ग्रीन कैंपस वाला ये कॉलेज लगभग 17 से 19 बिल्डिंग में पूरा बटा हुआ है। 17 से 19 बिल्डिंग में इस पूरे कॉलेज की कार्रवाई चलती है। अगर बात करें सुविधाओं की तो यहाँ पे तुमको एक बैंक भी मिल जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे ATM बगल में है। सेंट्रल बैंक की एक शाखा भी कॉलेज के अंदर खोली गई है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अगर मान के चलो तुम्हें स्कूल कॉलेज की फ़ीस भरनी है, कॉलेज का चालान वगैरह, या फिर किसी भी प्रकार की कोई और फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, ये सब भरनी है तो ये यहाँ के ही बगल के ATM से पैसे निकालो और इसी कॉलेज के बैंक में पैसे जमा कर दो। बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। तो देख सकते हो यार, कॉलेज काफ़ी लश ग्रीन कैंपस वाला कॉलेज है। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और अच्छी साफ सफाई के साथ इस कॉलेज को मेंटेन किया गया है। चारों तरफ एक सुंदर माहौल बनाया हुआ है और पढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। अब बात करते हैं प्रोफेसर्स की। प्रोफेसर्स यहाँ के वेरी क्वालिफाइड, बहुत वेल क्वालिफाइड हैं यार, मतलब काफ़ी अच्छे जानकार प्रोफेसर्स हैं। और जैसे यार, प्रोफेसर्स की कहीं भी निंदा नहीं की जा सकती, हर प्रोफेसर अपने आप में अच्छे। वो तो निर्भर करता है विद्यार्थियों के ऊपर, कौन विद्यार्थी कितना अच्छा ज्ञान ले सकता है। क्लासेस वगैरह भी वही होती है जैसे हर कॉलेज में होती है। हम सब जानते हैं कि पटना में या फिर किसी भी कॉलेज में कितनी क्लासेस कितनी रेगुलर होती हैं, कितनी इरेगुलर होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी सारी सुविधा चलती है। लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई का माहौल काफ़ी अच्छा है, प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मतलब फ्रेंडली टाइप के हैं। तुम चाहो तो अगर अच्छे से बातचीत करोगे, सही तरीके से पूछोगे सवाल, तो तुम्हें सही तरह से जवाब मिलेगा। हाँ, अगर तुम फिर टेढ़ा होने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वैसा ही जवाब मिलने वाला है, कोई प्रोफेसर तुम्हें भाव भी नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के यही है कि प्रोफेसर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर स्टूडेंट्स वगैरह की बात करें तो स्टूडेंट यूनियन जो है यहाँ का वो भी काफ़ी अच्छा है, हर बार हमेशा मदद के लिए आगे आता है। किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती बच्चों के साथ, मतलब कोई भी बच्चा नया अगर आता है तो उसके साथ पता चला कि दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर कोई नया बच्चा है उसको कुछ भी उलूल जुलूल करने के लिए कहा जा रहा है सीनियर्स के द्वारा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। बात करें फ़ीस की तो कॉलेज की फ़ीस जेन्युइन है। जिस प्रकार AN कॉलेज की फ़ीस है उससे कुछ 19-20 का फ़र्क होता होगा, ज़्यादा नहीं, उसी प्रकार की फ़ीस यहाँ पे भी है। लगभग ज़्यादा अधिकतर सब्जेक्ट्स पढ़ाए भी जाते हैं तो लगभग समझो कि लमसम फ़ीस जो है जेन्युइन फ़ीस है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है कोर्सेज। सबके मन में यही सवाल होगा कि इस कॉलेज में आखिर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब कि कोई भी बच्चा चाहेगा कि पहले मुझे पता चल जाए कि कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, कि मैं जिस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई चाह रहा हूँ क्या वो सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहा है या नहीं। तो देखो यार, यहाँ पे काफ़ी विस्तृत सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट है। जैसे कि अगर आर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे तमाम सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है। कॉमर्स में आप भी पढ़ सकते हो, MBA वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लिटरेचर की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं।
साइंस की बात करें तो बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी पढ़ाए जाते हैं और ये सब्जेक्ट धीरे धीरे आगामी वर्षों में बढ़ते ही चले जाएंगे। अब बात करते हैं लोकेशन और कनेक्टिविटी की। तो देखो, ये अर्बन कॉलेज है, यानी शहर में स्थित ये कॉलेज है। राजेंद्र नगर टर्मिनल मेन रोड कंकड़बाग पटना के सामने, मतलब राजेंद्र नगर टर्मिनल के ठीक सामने ये कॉलेज स्थित है। और इस कॉलेज के लिए आपको कनेक्टिविटी के तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाती है। आप चाहें तो अपने खुद के व्हीकल से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, मतलब बस, ऑटो, कार, बाइक, किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट के जाने आने जाने की सुविधा यहाँ पर बहुत अच्छी दी गई है। वहीं पटना की तरफ से जो पटना का खुद का बस सर्विस चलती है, उसकी भी बस का रूट इस कॉलेज की तरफ से होकर जाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कनेक्टिविटी के तौर पे काफ़ी अच्छा जगह पे ये कॉलेज लोकेटेड है। स्टेशन से बात करें तो लगभग यार मैक्सिमम तुम्हें 15 मिनट का समय लगेगा कॉलेज पहुंचने में, और बड़े आराम से तुम बस में भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, ऑटो से भी जा सकते हो। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम तुम्हें लगने वाले हैं इस कॉलेज में पहुंचने के लिए। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, तुम्हें लगता है कि कोई और पॉइंट भी ऐड करना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम कोशिश करते रहेंगे यार धीरे धीरे और भी कॉलेजेस को कवर करने की। जैसे कि AN कॉलेज हमने कवर कर रखा है, उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि AN कॉलेज के साथ साथ कॉमर्स कॉलेज होंगे और भी किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम इसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।